नमस्कार दोस्तों, प्रॉन्चेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं एक साइट पे, यहाँ हॉस्पिटल है ये गोरखपुर का। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वाटर हीटर लगा हुआ है, मैनिफोल्ड सिस्टम इसे बोलते हैं। और इसका ट्यूब टूट गया है, ट्यूब दो तीन ट्यूब ख़राब हो गए, बाकी कुछ ट्यूब हैं जो फूट गए हैं। वो उसका जो गर्म करने का वो होता है केमिकल, वो ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया है। तो इसको हम बदलने जा रहे हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ ये। और अभी इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए दोस्तों, ये है टैंक। आई थिंक ये 1000 LPD या 1500 LPD का है, चूँकि इस पर नाम हम कुछ लिखा नहीं है, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। आई थिंक ये 1500 का होगा ये। और ये टैंक है, यहाँ से देखिए सप्लाई आ रहा है। इसके ट्यूब्स ये देखें, ट्यूब, और देखिए यहाँ पे टेम्परेचर मीटर भी लगा हुआ है, कितना टेम्परेचर है पानी का। अभी ये आई थिंक 35 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। ये ट्यूब है, ये देखिए, आप लोग को पता होगा ये सोलर वाटर हीटर का जो इनलेट होता है वो नीचे से, आउटलेट होता है जो ऊपर से होता है गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी हल्का होता है तो ऊपर होता है। यहीं से देखिए सप्लाई इनके घर में चली जाती है, बाकी यहाँ से सप्लाई इस पाइप के थ्रू आ रही है। मैं भी डिटेल आप लोग दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्या है कैसे है ये। हुआ क्या है, यहाँ पे कुछ ट्यूब टूट गए हैं और कुछ ट्यूब ख़राब हो गए हैं। ये देखिए, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक बैकअप, यानी कि ये इलेक्ट्रिक इमर्शन रॉड होता है जो गीज़र में लगता है, इसे बिजली से कनेक्ट किया गया है। इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि अगर आप रात में इनके, अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए, पानी कम पड़ रहा है या पानी आपके अकॉर्डिंग गर्म नहीं है, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, फिर ये गीज़र का काम करेगा, यानी कि सोलर वाटर हीटर ही आपका गीज़र में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर बाद में दिन में अपना सोलर से चलता रहेगा। यह है ट्यूब, देखिए अभी हम फिलहाल दो ट्यूब लेके आए हैं इसका, और यहाँ पे 8-10 ट्यूब लगने हैं। मैं आपको दिखाऊँ, देखिए ये ट्यूब, ये देखिए दोस्तों, ये फूट गया है। ये दो लेयर होता है इसमें, ऊपर का लेयर ख़राब हो गया है, टूट गया है, नीचे वाला लेयर बचा हुआ है, बाकी ओके है। कुछ और हैं इसमें ख़राब हो गए, जैसे ये देखिए आप, इसका कलर निकल गया है, तो यानी कि ये बहुत पुराना मॉडल है, ये मॉडल अब आ भी नहीं रहा है। ये देखिए, ये तो एकदम ख़त्म हो गया, इसके अंदर कितना रस्ट कॉरोजन जमा पड़ा हुआ है। ये देखिए ये ट्यूब हम यहाँ फिलहाल बांधे थे, जो पानी लीक हो रहा है अभी यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं ट्यूब। टोटल ये है दोस्तों सेटअप, ये आई थिंक 1500 लीटर का है, इसे मैनिफोल्ड सिस्टम बोलते हैं। इसके जो ट्यूब की साइज है वो, इसका जो ट्यूब का डाया जो होता है, गोलाई जो है वो 47 mm, एंड जो लेंथ है वो आई थिंक 1500 mm का है। और बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये पुराना चूँकि मॉडल हो चुका है, तो इसलिए ये ट्यूब अब मिलना मुश्किल है, बहुत बहुत कम मिल रहा है ये ट्यूब। अब जो ट्यूब्स आ रहे हैं उसका जो डाया है वो थोड़ा मोटा हो गया, वो 58 mm का है, और 1800 या 2100 में आता है, लेंथ जो होता है 1800 mm या 2100 mm होता है। तो फिलहाल इसका हम ट्यूब चेंज करने जा रहे हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कैसे ट्यूब चेंज होता है, बाकी ये सिस्टम है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो। ये हमारे हनुमान भैया जी हैं, ये भी सोलर का काम करते हैं हमारे साथ में ही। हाय कर दीजिए भैया, इनका खुद का फॉर्म है, क्या नाम है भैया अपना? रिधिमा इंटरप्राइजेस फॉर्म का नाम है, लोग साथ में काम करते हैं, ऑलमोस्ट लगभग सारे काम साथ में ही हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा, और बाकी हम लोग तो अक्सर वीडियो बनाते रहते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहे दोस्तों, ऐसे ऐसे सोलर की स्कीम और जानकारी के लिए, प्रॉपर तरीका कैसे क्या होता है उसके लिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो स्प्रेड करें, कम से कम एटलीस्ट पता चले लोगों को कि क्या चीज़ कैसे है। ये जो सिस्टम है दोस्तों ये पुराना हो चुका है, अभी बंद हो चुका है, ये कभी ना लगवाएं, और उसे अब मिलेगा भी नहीं। और बाकी अगर सोलर सिस्टम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी ठंड आने वाली है दोस्तों, तो कभी भी किसी को जरूरत हो तो प्लीज़ संपर्क करें प्रॉन्चेस सोलर में, और बाकी तो हम साथ में रहेंगे हमेशा। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।